जीएसटी ने व्यापारियों पर शिकंजा कसा और टैक्स चोरी के आरोप में व्यापारियों पर बम्पर छापे। स्टेट जीएसटी के इतने छापे कि व्यापारी भी बौखला गए और उन पर भी छापे जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। स्टेट जीएसटी आंख बंद करके छापेमारी की घटना को अंजाम दे रहे। व्यापारियों का उत्पीड़न और बाजार तक बंद हुए व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। कई जिलों में विधायकों और व्यापारियों ने धरना भी दिया। तो स्टेट जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश, 71 जिलों में 294 छापों से भड़कंप मच गया। तो जो चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं आती, जो व्यापारी इसके दायरे में नहीं आते हैं, उनके यहां भी छापेमारी की जा रही है। तो जीएसटी के दायरे में जो चीजें नहीं है उन पर भी छापेमारी। तो स्टेट जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश। खबर आगरा से, रईसुद्दीन के कबाड़ गोदाम पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी। बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कर रहे थे कबाड़ का काम। खैरागढ़ कस्बे के सपा नगर अध्यक्ष हैं रईसुद्दीन। जीएसटी टीम कागजों की जांच में फिलहाल जुटी है, तो जांच पड़ताल लगातार जारी है। खबर कन्नौज से, जीएसटी टीम का कपड़ा कारोबारी के शोरूम पर छापेमारी। मशहूर कपड़ा कारोबारी बबलू के शोरूम में छापेमारी। गुरसहायगंज के तिराहे स्थित शोरूम पर यह छापेमारी की गई। जीएसटी टीम का कपड़ा कारोबारी शोरूम पर छापेमारी। तो गुरसहायगंज का मामला सामने जा पर तिराहे पर स्थित शोरूम पर छापेमारी की गई। मामला कन्नौज का सामने आया। एक जाने माने मशहूर कारोबारी हैं कपड़ा कारोबारी, जिनके शोरूम पर छापेमारी की गई। वहीं कन्नौज में जीएसटी टीम की छापेमारी के खिलाफ उतरे व्यापारी। कलेक्ट्रेट पहुंच करके व्यापार मंडल ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा और जांच के नाम पर छापेमारी की। व्यापारियों का उत्पीड़न, व्यापारी हित में छापेमारी बंद करने की सीएम से भी मांग की। तो जीएसटी टीम की छापेमारी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश और उस आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आई। जांच के नाम पर छापेमारी। वहीं गोंडा में बात करें तो स्टेट जीएसटी टीम की जिले में कई जगह पर छापेमारी से व्यापारियों में जबरदस्त खलबली मच गई। छापेमारी के चलते व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक बंद की। कटरा बाजार के अमर मोटर पहुंची टीम। टीम में जीएसटी अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बिजनौर की बात करेंगे, बीजेपी विधायक सुची चौधरी का जीएसटी के खिलाफ धरना लगातार जारी। जीएसटी की छापेमारी के खिलाफ कर रही प्रदर्शन। तो जीएसटी टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी। व्यापारी संगठनों ने छोटे दुकानदारों को परेशान करने का आरोप लगाया। बिजनौर डाक खाने चौराहे पर हो रहा है प्रदर्शन। कानून है, उनका पालन करना सब व्यापारी लोग चाहते हैं। व्यापारियों का कहना इतना है, जब सुबह सूचना प्राप्त हुई पूरा बाजार बंद था, कर्फ्यू जैसा यहाँ माहौल था। व्यापारियों ने हमारे विश्वास पे ये बाजार खोला है और जो जीएसटी की टीम यहाँ पर जिस तरीके का आकर अमानवीय व्यवहार कर रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उनके खाते इस तरीके से फेंक रही है, उनकी किताबें उठा के फेंक रहे हैं, कागज़ देखना नहीं चाह रहे हैं, उन पर टेरर कायम करना चाह रहे हैं, वो जिस तरीके से कार्यशैली उनकी है वो बहुत निंदनीय है। आज बाजार का बंद होना, मुख्य बाजार का, पूरे सिविल लाइन का, ये इनके कृत्य को शोभित करता है। तो धरने पर बीजेपी विधायक। कन्नौज संवाददाता अंकित हमारे साथ लाल जुड़े हैं, और लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जीएसटी के खिलाफ बैठी धरने पर। वहीं बस्ती की बात करेंगे, जहां पर सेल टैक्स की छापेमारी से व्यापारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से सेल टैक्स विभाग कर रहा है छापेमारी। व्यापारियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। उद्योग व्यापार मंडल ने जताई नाराजगी और एक ज्ञापन भी सौंपा अपनी मांगों को लेकर। उसने कहा कि विभाग करेगा मनमानी तो एक आंदोलन बड़ा करेंगे, तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी व्यापारियों ने।
से हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है। तो तीन दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है, जो इसके जीएसटी के दायरे में नहीं आते उन पर भी किस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते सेलटैक्स की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो यूपी में स्टेट जीएसटी के भयंकर छापे। तो स्टेट जीएसटी का व्यापारियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप जुड़ गए राजधानी लखनऊ से और आगरा से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए। मैं दोनों संवाददाताओं से अपडेट लूंगा, लेकिन पहले मैं अनूप के पास आऊंगा। अनूप, लगातार जिस तरीके से जो व्यापारियों का आक्रोश है वो बढ़ता नजर आ रहा है और वजह यह है कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते उन पर भी किस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। तीन दिन हो गए हैं और स्टेट जीएसटी को लेकर के जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। 71 ऐसे जिले हैं जहां पर एक साथ 300 के करीब ऐसे प्रतिष्ठान हैं व्यापारियों के, जहां पर जो जीएसटी टीमें पहुंची हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। 240 से अधिक जो टीमें हैं ये कार्रवाई कर रही हैं। 50,000 से अधिक का जो बताया जा रहा है कि जो करोड़ के माल सहित जो तमाम जो कर टैक्सेस से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं। 2 करोड़ से अधिक का जो अर्थदंड है वो जमा कराया गया है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी को लेकर के अधिकारी जो है छापेमारी अभियान चला रहे हैं उसका जो विरोध है अब वो सीधे तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तमाम जो व्यापारी संगठन हैं वो सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी छापेमारी के नाम पे जो तमाम व्यापारी हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि इसमें छापेमारी आप कीजिए लेकिन जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं ऐसे व्यापारियों का भी जो है शोषण किया जा रहा है। अचानक से टीमें पहुंच रही हैं, वहां पे दस्तावेज कलेक्ट किए जाते हैं, कागज मांगे जाते हैं। अब इसमें व्यवहारिक थोड़ा समझना भी होगा, व्यापारियों को ये तर्क है कि जब टीम आती है तो कई ऐसा टाइम भी होता है कि जब जो कागजात हैं वो मौके पर नहीं होते, लिहाजा उनको लेकर के जो है जब तो पूरा उथल पुथल जो है वो अधिकारी मचाए हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। व्यापारी बाजार बंद कर रहे हैं, जो बीजेपी विधायक है वो खुद धरने पे बैठे जा रहे हैं। व्यापारियों ने जो है तमाम सरकार को जो है लेटर भी लिखा है कि ये जो उत्पीड़न है वो छापेमारी के नाम पर जो है लगातार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है अभी भी 2 से 3 दिन और चलने वाली है। अब ये जो कार्रवाई चल रही है इसका सीधे तौर पर विरोध जो है वो अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी हैं के संदीप बंसल जी मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, कल जो हमारे जीएसटी कमिश्नर हैं श्रीमती मिनिस्ट्री एस, उनसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल मिला था और मुझे लगता है 1 घंटे से अधिक उनसे वार्ता हुई। उन्होंने ये तो कहा कि हमारा इरादा किसी भी सामान्य व्यापारी को परेशान करने का नहीं है। हम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो हमें सूचनाएं मिली हैं जहां पर करापवंचन भारी मात्रा में है और हमें पता है कि यहां पर ये गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ उनके लिए बाजारों में गए हैं। लेकिन मैंने और हमारे संगठन के लोगों ने ये कहा, हम सबका ये मानना है कि जहां हम एक और कहते हैं कि जो इस देश में सम्मान एक फौजी का है क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा एक व्यापारी कर रहा है, वही सम्मान एक व्यापारी का भी होना चाहिए। और इस तरह अगर बाजार में पुलिस फोर्स के साथ भारी टीम के साथ अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहा है तो ये व्यापारी का अपमान है। कहीं ना कहीं आज डरने की आवश्यकता बदमाश को है, गुंडे को है। योगी जी की सरकार में जहां सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए वहां पर व्यापारियों में दहशत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई कुछ ऐसी हो गई कि इससे व्यापारियों में दहशत व्याप्त हो गई और इसके कारण बाजार के बाजार बंद हो रहे हैं। पिछले 3-5 दिनों से ये चल रहा था और जब हम लोगों को जानकारी ठीक से हुई, कई जिलों ने लगातार ये बात कही, जो संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बात आई, लगभग 40 जिलों में जब ये घटनाएं हुई तब हम लोग कल कमिश्नर से मिले और हमने उनसे कहा कि एक तो ये त्यौहार का मौसम है, दूसरा व्यापारी पर जब तक भरोसा नहीं होगा, हम $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, योगी जी के राज्य में, योगी जी की शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में चल रही है और इन्वेस्टर समिट हम करने जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हमारे उत्तर प्रदेश में आए और हमारा हर व्यापारी हर उद्यमी इसके लिए प्रयत्नशील है।
तो फिर इस तरह की कार्रवाई करके जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बदनाम करने का भी काम किया है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के इशारे पर ही किया जा रहा है उनका आदेश ऊपर से। नहीं देखिए, गवर्नमेंट का इशारा तो सरकार ने ये जरूर कहा होगा कि जहां पर कुछ शिकायत मिल रही है उन पर कार्रवाई करो। सरकार ने ये नहीं कहा होगा कि तुम जा करके पूरे व्यापारी समाज को चोर ठहरा दो। इसलिए कल जब हम कमिश्नर से मिलकर आए हैं, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी मैं मिलकर आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मैंने ये बात कही, तो हम कल कमिश्नर से भी ये बात कह करके आए थे कि अब आपको देखते हुए, माहौल को देखते हुए, त्यौहार को देखते हुए और व्यापारी के सम्मान को देखते हुए सरकार को और बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है, शत प्रतिशत ये व्यापारी के साथ अन्याय है, व्यापारी का उत्पीड़न है। हम इसको किसी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये छापेबाजी अब बंद होनी चाहिए, और अगर ये छापेबाजी नहीं बंद होगी तो निश्चित रूप से व्यापारी समाज मजबूरन सड़कों पर आने के लिए आंदोलित हो। तो ये समय है कि जीएसटी डिपार्टमेंट इस कार्रवाई को रोके और समझे कि हाँ, ये समय और ये व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण है, इसको सम्मान देना होगा। आपको अगर कोई शिकायत है, मैंने कल कमिश्नर से ये भी कहा, लिख के दिया है कि आपको अगर कोई शिकायत है, आप स्थानीय व्यापार मंडल को विश्वास में लीजिए। हम स्वयं अपने सब पदाधिकारियों को निर्देशित कर देते हैं कि जिसके खिलाफ शिकायत है, व्यापार मंडल उसके सहयोग में, जीएसटी डिपार्टमेंट के सहयोग में उनके साथ खड़ा होगा और जांच कराएगा। हम लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है। हम बेईमान व्यापारी का समर्थन नहीं करेंगे, ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ। हम ये प्रयास करें कि हम सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, हमें अपने उद्योग को बढ़ाना है, तो हमारा कार्रवाई पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। गलत संदेश जा रहा है। आप बात जारी रखिए। मैं एक बार जीएसटी डिपार्टमेंट और हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं, अनूप लगातार बने हुए हैं, संदीप बंसल से बात करें। अनुपम हमारे सहयोगी आगरा से फिलहाल जुड़े हैं। अनुपम, 71 जिलों में 294 छापों से जाहिर सी बात है हड़कंप मचा है, व्यापारियों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। आगरा में किस तरीके से फिलहाल व्यापारियों में आक्रोश है और उनका अगला कदम किस तरीके का होगा, अनुपम जानना चाहेंगे। छापेमारी जारी है और लगातार दुकानदारों में रोष व्याप्त है। खासतौर से उन दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है जो छोटे दुकानदार हैं या रोजाना की ठेल ठकेल पे काम करते हैं, उनको भी इस पूरे मामले में निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। कल उन्होंने अपना बाजार भी बंद कर रखा था और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है कि अगर इस छापेमारी को नहीं रोका गया तो व्यापारी आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। लेकिन इसके बावजूद लगातार पूरे जिले में और साथ साथ छोटे कस्बों में भी व्यापारियों के ऊपर छापेमारी जारी है और लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आगरा के जो व्यापारी संगठन है उनमें भी बेहद आक्रोश है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो जबरदस्त आक्रोश होगा। फिलहाल किस तरीके से व्यापारी संगठनों का, अनुपम, अब अगला कदम क्या होगा? आपने भी तमाम लोगों से बात की होगी। आक्रोशित है और उन्हों वो प्लान करके इस पूरे मामले पर एक बार आंदोलन करने के लिए आमादा है। उन्होंने जिले के अधिकारियों से संपर्क किया है, जीएसटी के अधिकारियों से संपर्क किया है और अब वो योजना बना रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर उनकी कार्रवाई होगी, कहां पर वो अपना विरोध जताएंगे और किस तरह से विरोध दर्ज करेंगे। अगर ये छापेमारी नहीं रुकी तो जल्द ही व्यापारी संगठन सड़कों पर भी उतरेंगे और विरोध जताएंगे। जी तो बिल्कुल, व्यापारियों का जो विरोध प्रदर्शन वो अब कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सड़कों पर भी देखा जा सकता है। तो एक बार फिर अनूप के पास आएंगे। अनूप, जिस तरीके से व्यापारी संगठन की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है, आपने संदीप बंसल से भी बात की लेकिन अब उन्होंने भी जीएसटी कमिश्नर से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर के, जाहिर सी बात है व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन एक संदेशा जा रहा है जब सरकार को लेकर के कि सरकार तो कार्रवाई करवा रही है लेकिन सरकार कह रही जो गलत है वो चीजें सामने आए, लेकिन किस तरीके से जो जीएसटी विभाग अपनी मनमानी कर रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज निकल करके आई एक बड़ी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं छापेमारी के अभियान के दौरान, उससे साफ हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों का साफ तर्क है कि तमाम ऐसे समय होते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जब अचानक से जीएसटी जो अधिकारी हैं वो छापेमारी करने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि तमाम जो है आप दस्तावेज दिखाइए, कागज़ दिखाइए। लेकिन अमूमन जो है जो तमाम कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, वो समय पे मौके पे दिखाना जो है पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में समय सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए, उनको जो है समय देना चाहिए, लेकिन सीधे अधिकारी पहुँचते हैं और दुकान में जो है उथल पुथल कर रहे हैं। यहाँ तक कि साफ तौर पर आरोप है व्यापारियों का कि वहाँ पर जो है उनका शोषण किया जा रहा है, जो फाइलें
हैं, जो दस्तावेज हैं उनको फाड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो ये जो है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो जीएसटी के दायरे में व्यापारी आते बिल्कुल हैं, बड़ी बात जो चीजें दायरे में हो उन पर कार्रवाई हो, बहुत किया जा रहा है, तो इसको बर्दाश्त तमाम सारी जानकारी के लिए। और अनुपम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को